स्ट्रीट है, जो म्यूजिक की तारीफ लिखने वाले लोग हैं, उनका एक ख्याल है कि दुनिया का पहला गीत औरत ने गाया होगा अपने बच्चे को बताने के लिए, जब उसने वो गाया होगा गायब उसकी शिकल लोरी की होगा, वो लोरी होगी जो उसने अपने बच्चे को दी होगी। और दुनिया की पहली डांस नाच शास्त्र तो बहुत बात किया है, कथक और कर्नाटक का डांस का जो बुनियाद पड़ा वो आर्यन से 1300 BC में नाच शास्त्र लिखा, उसके बाद म्यूजिक की ग्रामर और डांस की ग्रामर बनी। मगर ये कहता हूं कि हमारी ही धरती क्या हम ऐसे ही हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है और मोहनजोदड़ो से जो हमें डांस की गर्ल का स्टैचू मिला है वो औरत का है और दुनिया में यह पहली टैक्स की गर्ल है। ये एक गवाही है कि इस धरती की कला आर्ट की जो बुनियाद है वो औरत ने रखी होगी। मुझे इस बात की जैसे अतिका साहबा को सुन रहा था कि उसने इस पर शुरू करी साहबा डेफिनेटली वो एक औरत थी, उसके बाप को हेल्प किया गया, वो इस मुल्क के मिराज में वो अकेली तना और लड़की रही और उसने साबित किया कि आज से कई सैकड़ों साल पहले जो सूफियों ने अपनी हैरोइन जो हैरो का तसव्वुर है, हीरो का एक हैरोइन का वो औरत का था, शाह लतीफ का कोई भी हीरो मर्द नहीं है उसके साथ हैरोइन और थे और भी पंच लड़की थी जो शहीद रानी की शिकल में बेनजी साहबा की शिकल को सामने आई और उसने दुनिया में औरत का जो वकार है वो बुलंद किया। उसी के लिए किसी शायर ने कहा था वो बेटी थी पंजाबों की, वो खैबर की गुलामों की, वो नई कहानी गड़बल की, वो सोती मिट्टी सिंधी की, वो लड़की लाल कलंदर थी तो कितने शुक्र था। और कलंदर का जो कसम है वैसे कोई प्रॉफिट को खैर काबू नहीं आई, मगर जब कलंदर की सूफीज्म में रिवाइट पड़ी तो औरत को भी आधा दर्जा दिया गया, उनको मिल जो इंस्पेक्टर से उसको भी नहीं दिया। अब इस पर ये मौजूद नहीं है इस बात कर दी, मैं इस बात को कंटिन्यू करते हुए कि ये मैं समझता हूँ कराची में मैं पापा सुल्ताना का इन्वायरमेंट को फर्स्ट था फिफ्थ था फेस्टिवल या सेकेंड था जब चैन बिलावल साहब और हम साहब आए थे वहाँ पे, और इंटरनेशनल लोग भी आए हुए थे, अभी कॉमिक की वजह से शायद इतना ट्रैवलिंग वीजा हो नहीं हुआ वो भी जा सके, मगर कुछ शायद सी बातें एक हवा का छोटे की तरह ये एक इवेंट है जिसने एक इंस्पायरेशन दी है, ना बोलने का बैठने का सुनने का सीखने का मौका मिलता है। पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री इवॉल्व हुई, शायद पहली फिल्म काटा साहब की 1930 में आई थी, उसका नाम क्या था हुसन का डाकू हुसन का तालिबान 1930 बाद फर्स्ट मूवी, अभी हम खड़े हुए हैं आज तो 91 साल फर्स्ट मूवी को बनते हुए हुए हैं तालिबान, ये कहते हैं कि आज पाकिस्तान में 26,000 से ज़्यादा फिल्में बन चुकी हैं, हम उसको बाद में उसे कंपेयर नहीं कर सकते, देयर इज नो कंपैरिजन कि वहाँ पर कितनी मूवीज बनी होगी क्योंकि वहाँ पे रीजनल सिनेमा और रीजनल लैंग्वेजेस में वहाँ पे बहुत सारी फिल्में बनी है, तेलुगु में डिफरेंट वहाँ पे बंगाली में बंगाली में कोलकाता सबसे बड़ा हवा है उसका, लाहौर का एक पूरा ट्रेंड था, मैं समझता हूँ कि जब भुट्टे साहब ने नैपटेक बनाया था नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये एक झोंका था उस वक्त क्योंकि ये ट्रेंड था, उससे पहले भी चल रहा है 60s, 50s, 60s and 70s का ये पूरे तीन जो डिकेड है ये शानदार दौर रहे हैं पाकिस्तान में इंडस्ट्री के, 77 के बाद ये डिकेड हुआ इसका फॉल शुरू हुआ जब हमने इस्लामाइजेशन की शक्ल में एक फिल्म पे आर्ट में एक सब पे एक दलदल देखा, एक जरब आई उसके बाद और ये फॉल जो है वो स्टार्ट हुआ, वो नेशनल एरिया में तकरीबन G6 में है इस्लामाबाद में सेक्टर में है, वो उसकी ऐसी जुबून हाल उन्होंने बिल्डिंग खड़ी हो गई
ये भी अंदाजा होता है कि इदारे को हम सज्जा नहीं कर पाए कि बसों में तो हम फिल्म की आमियाने कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे बड़ा कर दुनिया के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो प्रश्न था पर किस्मत ही है पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ कि जो एरा है क्या हुआ उस मुनाफकत हमारे ख्वाबों का कतलाम हुआ, हमारे सपनों का कतलाम हुआ, उसमें हमारे आर्ट का म्यूजिक का कला का उन्नीस का हुआ। उसके बाद पाओ के आर की वो इंडस्ट्री जो दौर था वो जो ब्यूटीफुल एरा थी वो आपको याद हो गया जो 70s का और 60s का दौर था। हुआ ये कि रोमांस की जगह तशद्दुद आ गया, जैसे वो बात हुई ना कि वायलेंस को इम्पोर्टेंस आदमी से हो गया, जो गलियों में हम जो खून की होली देखते थे वो हमें स्क्रीन पे नजर आई, वो इंडियन कल्चर को प्रमोट किया, वो कल्चर था तशद्दुद का वायलेंस का, मगर वो जो रोमांस था वो हमारे हाथ से निकल गया, हमने उसको फाश का नाम देके हमने उसको फायर निकाल दिया कि इसकी इनकी नहीं है। अब मूवीज कैसी बनेंगी, ड्रामे कैसे बनेंगे, डाकू हमें दिखाने हैं, हमें बोला चट दिखाने हैं, गुंडा से हाथ में है, हमें लड़ना है, एक वारियर किस्म का कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया जो हमारी एसेंस जो इस सिविलाइजेशन की थी उसके रूप में मुनाफी था। मैं आज भी कहता हूँ कि जब फिल्म में हथियार आया तो हमारे रूप के मुनाफी है, उसके अगेंस्ट है, उसकी नफी है। आज तक आज तक दुनिया के जितने हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो आज तक साबित नहीं कर सके कि कश्मीर से लेकर काली बेगन तक जो गुजरात में है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, आज तक कोई दीवार वेपन वाली किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट से नहीं मिला है, कोई एक भी वेपन नहीं मिला है। जब थाई में हमारे श्रेष्ठ में वो चीज देती तो हमें आगे आया वो कहाँ से हम कभी नहीं गए, हमने सांस बनाए, हमने उसी की दी, हमने करा दी, पर अब इसको आगे ले चलते हैं, नया दौर है, ये एरा है, अर्बन सिटी इन कैलिफोर्निया में ऑल टुगेदर एट दिस बिकॉज़ ऑफ दिस टेक्नोलॉजी वी आर वेरी मच कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। एक नए दौर की शुरुआत करनी है, ये आपको लीड करता होगा, आपने एक दौर देखा है, आपने वो पूरा टर्बाइन भी दिखाया, आपको टॉक्सिक कंडीशन देखी है, ड्रग स्ट्रेस देखे पूरे, यू हैव टू लीव। मैं आपको श्योर ये करवाना चाहता हूँ यहाँ पे कि सिर्फ गवर्नमेंट आपके साथ है और मैं आप चेयरमैन बुला रहा हूँ क्योंकि हमने बीबी की शक्ल में हो, भट्टो साहब की शक्ल में हो, चाहे आज बुलावल की शक्ल में हो, कि हम उस मुला के साथ, उस इंता पसंद के साथ, उस एक माइंड सेट के साथ, हम रिलीजन के मुखालिफ नहीं है, हम एक्सट्रीमिज्म के मुखालिफ हैं, हम उस काउंस ऑफ कल्चर नैरेटिव को क्रिएट करना चाहते हैं जो इस मुल्क की फिल्म को आर्ट को जो तो प्रमोट कर सके, वो हम नैरेटिव अभी तक नहीं बना सके। हमारे मुखालफी हमसे ताकतवर नहीं है, हम वीक हो चुके हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन वीक हो चुके हैं, हमारे लिबरल सेकुलर इंस्टीट्यूशन वीक हो चुके हैं, हमें वो रिवाइव करते हैं और वो इसी तरह हो सकते हैं कि हमारी फिल्म एक नए दौर में दाखिल हो, मॉडर्न एरा में साथ शोल्डर टू शोल्डर चले। हमारे यहाँ स्ट्रीट थिएटर जो नर्सरी है दुनिया की जो प्यारी थी, हमारे यहाँ थिएटर को इवॉल्व करना है और हमारे इंस्टीट्यूट ने कोशिश की, मैंने 5 साल मेरे नेशनल इंस्टीट्यूट हमारी कोशिश की, हमने सिम्पा इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स डांस शो में बनाया कि वो डांस शो यहाँ से देख कर करके ड्राइव किए हैं और वहाँ पे इंटीरियर के हमारे बहुत से नई शागिर्द वहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ पर सीख सकते हैं, कोई जिना साहब और भुट्टो पॉलिटिशियन बन सके न सके, अगर कोई हरि प्रसाद चौरसिया बनना चाहता है तो हम क्यों रोके उसको, अगर कोई हमारी बच्ची एतिका ऑटो बनना चाहती है चाहती है तो हम उसको क्यों रोके कि नहीं तुम्हें लास्ट में पास चला गया है कि वहाँ पर बच्चों को स्पेस में बिठाने पड़ा है। मैंने आप मैं सरिता वाली जी की हमने एक राउंड किया था इस कॉवेज से पहले, कॉवेज वाली जी स्टार्ट हुआ इससे पहले हमने आर्ट्स काउंसिल में कुछ फ्रेटर्निटी के लोग थे, कुछ अब आप थे वहाँ पे, हमने एक वहाँ पे राउंड किया था कि हम कराची में कोई फिल्म इंस्टीट्यूट या कोई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फिल्म को प्रमोट करने के लिए बनाए। मैं अगेन यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ सिंध गवर्नमेंट है बाय मैं आपको ये ऑफर करता हूँ कि यू कैन सी टू कि
कि हम क्या कर सकते हैं, लैंड हम लैंड डिप्लॉय कर सकते हैं, गवर्नमेंट फंडिंग दे सकती है, गवर्नमेंट फंडिंग दे सकती है और उस पर एक पार्टी बने, उस पर आप एक पेज तैयार ना होगा। मैंने देखा है हमने एसोसिएशन कुछ लंबी लिस्ट बनी हुई है, जैसे कि प्रोड्यूसर एसोसिएशन, जितनी भी फिल्म फ्रेटरनिटी है उसको एक पेज पे आना पड़ेगा, थोड़े खिलाफ दूर करके एसोसिएशन की कुछ कम करके, वरना गवर्नमेंट जो है इस मामले में बड़ी फ्रेजाइल होती है, बड़ी जंगों होती है, क्योंकि वो अगर किसी कॉर्नर से अगर तनकीद आती है कि हमें शामिल नहीं किया गया, वी डोंट बाय दिस आइडिया, वी डोंट एग्री विद यू गाइस, तो हम पीछे हट जाते हैं। ये आपको करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा कम करके सबको साथ लेना पड़ेगा, साथ लेके चलना पड़ेगा, हम आपके साथ हो, मेरा ये ख्वाब है, बल्कि हम इसको एक साल के अंदर इसको हम काबिल दे सकते हैं, कोई बड़ा ट्राई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए बड़ी बात नहीं है। हम एक साल में ये कर सकते हैं, इनिशियली हम उसको बिल्डिंग नहीं बना सकते, कोई प्लॉट नहीं ले सकते, वो हम आगे चलते करेंगे, हम कोई लैटिस बड़ी बिल्डिंग लेके भी हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और एक एंडाउमेंट क्रिएट कर सकते हैं टू प्रमोट द फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स की क्वालिटी। एक बोर्ड बने, उस बोर्ड में जो अप्रूवल हो जिस मूवी की फिल्म की, उसको गवर्नमेंट की तरफ से भी एंडाउमेंट जाए कि वो कम से कम उसका जो रिस्क फैक्टर है वो मिनिमाइज हो जाए, कि गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिल चाहिए, गवर्नमेंट प्रमोट करती है, सो वी कैन डू दैट। आई विच यू ऑल द वे, जैसे भी जहाँ भी आप रखेंगे, और आखिर में वक्त कितना आपका काम है, शुक्रिया अदा करते हुए आपने मुझे खैरपुर से बनाया है, मौसम खैरपुर मैं गया हुआ था वहाँ पे, आपने कहा कि हकीमत में पहुँचना है, मैंने कहा मैं आपका इधर लाइक मलयाली सिस्टर, मैं हकीमत में आगे हो जाऊँगा और मुझे मुलाकात का मौका मिलेगा सबसे। आखिर में वही इकबाल साहब का इतने शेयर करूँगा जो मुझे याद आ रहा है, वो ही फिल्म दुनिया के लिए होगा, हो सकता है कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशा कर दे कि तेरे पर की मौजूदगी इस तरह में। Thank you.